तो आप सबको नमस्ते, खुशबू ब्लॉग में स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अभी मैं सब्जी बनाने चल रही हूँ। शिमला मिर्च और आलू के मिक्स से सब्जी बनाऊंगी मैं, रस वाला रसदार सब्जी बनाऊंगी। भुजिया भी बनता है, रसदार भी बनता है और उसका भरता भी बनता है। आप जिस तरह बनाना चाहें उस तरह बना सकते हैं। मैं रसदार सब्जी बनाऊँगी, उसको रस वाला आप लोग को दिखा रही हूँ। बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्जी। ये है शिमला और ये है आलू। इसको बॉयल करूँगी, इसको कट करके बॉयल हल्का सा करूँगी, इसको उबालूँगी। पहले इसको उबाल लेती हूँ, इसको धोकर रख दे। उसके बाद इसको धो लेती हूँ। उबालने के लिए तीन है, इसको धो ली हूँ। अब इसको प्रेशर कुकर में रखूँगी बॉल करने के लिए। जब तक ये बॉल होगा तक ये उबालेंगे, तब तक शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज व लहसुन सब काट लेते हैं। देखिए इसको ऑन कर रहे हैं, टाइम सेट कर दे रहे हैं इसका बॉल करने के लिए। तब तक बॉल होगा तब तक मैं प्याज और टमाटर इसको लहसुन ये सब काट लेती हूँ मैं। काट कर अब आपको फिर मिलते हैं। बॉल करके कट ली हूँ, इसको हल्का बॉल की हूँ। इसको हल्का सा इस सब दोनों को फ्राई करूँगी। बड़ा बड़ा थोड़ा सा टमाटर काटी हूँ, जो प्याज गलने के बाद मैं डालूँगी। यहाँ पर प्याज भी काट ली हूँ। ये अदरक और लहसुन और चार हरी मिर्च, इसको कोई पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़्यादा ये बड़ा था लहसुन, इसीलिए मैं छोटा थोड़ा सा काटी हूँ। फिर भी इसको कटने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह गल जाएगा। पहले मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ, शिमला मिर्च और आलू को। ऑन कर लूँगी चूल्हा, रख दे रहे हैं। अब गर्म होगा उसको फ्राई करेंगे। गर्म हो गया है, इसको और डालूँगी फ्राई करने के लिए। मैं शिमला मिर्च को फ्राई कर रही हूँ। अच्छे से गरम हो गया जाए तेल तो डालिएगा, तो तेल गरम अच्छा रहता है ना। तो फ्राई करते हैं लोग तो ओ कच्चा इसमें तेल सब्जी में कच्चापन में तेल का नहीं आता है। फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई ज़्यादा फ्राई कीजिएगा ना तो सूख जाएगा पूरा। सब्जी बनाते हैं मैम तो अच्छा लगता है, फ्राई कर दीजिएगा तो थोड़ा और अच्छे लगेंगे। तो फ्राई कर दिए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए कितनी लाल हो गया है। तो कोई आया था गेट पर तो चली गई,
इसको बंद करना भूल गई थी। प्रेशर कुकर में गरम है, प्रेशर कुकर गरम हो गया है। इसमें डालेंगे ऑयल, तो फ्राई की थी ना वो भी ऑयल थोड़ा सा था तो इसको भी डाल दी, क्योंकि फ्राई किए हुए ऑयल को रखने पर वो हरी हो जाती है ना, ग्रीन कलर की जहर हो जाती है, उसको खाना नहीं चाहिए। इसमें डालूंगी जीरा, एक लाल मिर्च, इसमें डाल दे रही हूँ प्याज, प्याज से हरी मिर्च को कटे से उसको ढक दे रहे हैं। नमक डाल दे रही हूँ, ये प्याज जलेगा और जलेगा भी नहीं, नमक डाल दे रही, प्याज जलता भी नहीं इतना ना ज़्यादा, तो जल्दी जल जाता है। लाइट चली गई तो गैस पर बना रही हूँ, पहले लाइन वाला चूल्हे पर बना रही थी, अब चली गई तो क्या करूँ, बनाना है, पता नहीं कब तक आएगी लाइट। देखिए मेरा प्याज खुला भी हुआ है, ब्लाक हो गई है, अब इसमें मसाले डाल दे रही हूँ, ये है हल्दी पाउडर, ये है मिर्च पाउडर, और मिर्च पकी हरी मिर्च में डाली हूँ। इसमें आप चाहते हैं तो कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, अपने पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं कश्मीरी मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि अभी ख़त्म हो गया है ना। ऐसा ही भी कलर अच्छा आता है, इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद पानी डालकर इसको हफ्ते भी गल जाएगा। पहले भुनने के बाद पानी ऐड कर देना,
सीटी लगा दी हूँ ताकि प्याज गल जाए अच्छे से। अब हो गया एक सीटी लग, इसको खोल रही हूँ। इसको खोलती हुई ढक्कन थोड़े से देर के लिए गैस कम कर दी थी, खुल गई। दिखा रही हूँ आप लोग को, देखिए बिना शिमला मिर्च के कितनी अच्छी कलर आई है ना। ये गल गले, इससे थोड़ा इसको मिला देते हैं। ये जो प्याज दिख रहा है ना, ये एकदम मिक्स हो जाएगा। देखिए ना, इसको मिक्स कर दी थी। अब इसमें टमाटर डालूंगी थोड़ा। इसको पहले नहीं डाली थी क्योंकि गल जाती पूरी ना, तो दिखती नहीं। इसको थोड़ा दिखता है ना, कम गला रहता है हल्का, तो अच्छा लगता है। इसको गलने दी। ये कितनी अच्छी मसाला मिल रही है ना पक्का। टमाटर भी हो गया, अब इसमें डाल दे रही हूँ। और आलू मिर्च, आप जैसा बना सकते। मुझे लगा आज मैं इसको रसदार बना रही हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा भून लीजिए क्योंकि ये फ्राई किया हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा। हो गया ना, अब इसमें पानी एक कटोरी डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, उतना ही डालिएगा जितना का जरूरत हो आप लोग का। देखिए मुझे इतना ही चाहिए, अब इसमें डाल रही हूँ हाफ चम्मच ये गरम मसाले। मैंने डाल दी, नमक डाली थी मैं प्याज के साथ एक चम्मच। आप अपना स्वाद अनुसार डालिए, कोई ज्यादा खाता है कोई कम खाता है। अब इसको ढक्कन लगा दे रही हूँ, एक सीटी आने दीजिए। एकदम लो फीवर पर है, तब तक सीटी आ रही। एक सीटी लग गया था और बंद कर दी थी 10 मिनट के लिए, क्योंकि ठंडे हो जाएगी ना तो ऊपर पूरा तेल आ जाएगा। आप लोग को खोल कर दिखा रही हूँ कैसे, कोई ज़रूरत नहीं है वो मिक्सर में पीसने के लिए, आपको पेस्ट बना ले के लिए। देखिए कितना अच्छी आ रही है कलर ना, ये फ्राई की थी इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए तम पूरी गल गई है ना, आलू टमाटर शिमला की सब्जी कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। इसको निकाल ले रही हूँ एक कटोरी में, देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही है। मुझे आज तीखा खाने का मन था चटपटा सा, तो मैं इसी को बनाई, इसीलिए रसदार बनाई हूँ। आप लोग को जैसा ज़्यादा तीखा खाना हो तो ज़्यादा डालिए मिर्च, नहीं खाना हो तो कम डालिए। फिर भी मैं कम डाली हूँ, अपने स्वाद के अनुसार ही डाली हूँ। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।